हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर ओन यूट्यूब चैनल द मैथमेटिशियन शो। फ्रेंड्स, आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग बीएड सोशल स्टडीज़ में टोटल कितनी सीटें हैं, किस किस कैटेगरी का कितना कितना सीट है, उसके बाद किस किस सेंटर पे सिटी में कितना कितना सीट है बीएड सोशल स्टडीज़ का, और कितने बच्चे एग्ज़ाम में इस साल अपीयर हुए हैं, कितने एबसेंट रहे हैं, कितने परसेंट बच्चों का एडमिशन हो जाएगा, किस किस सेंटर पे कितने बच्चों ने एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया, किस स्टेट में कितने बच्चों ने एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया, फर्स्ट प्रोविजनल लिस्ट में कितने बच्चों का सिलेक्शन होगा, और कितने रैंक तक का आसानी से दरभंगा में एडमिशन हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। बीएड सोशल स्टडीज़ में टोटल सीट्स है ऑल कैंपस का मिला के 245, जिसमें से अनरिजर्व्ड सीट है 98, ईडब्ल्यूएस का है 25, ओबीसी का 66, एससी का 37, एसटी का 19, और ये सब को अगर हम लोग जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 245। अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि किस किस सेंटर पे, यानी कौन कौन से सिटीज़ में और मेन कैंपस में मिला के टोटल कहाँ कहाँ कितनी कितनी सीटें हैं। हैदराबाद में 37, दरभंगा में 38, भोपाल में 37, आसनसोल में 38, जम्मू एंड कश्मीर में 19, संभल में 19, औरंगाबाद में 19, बीदर में 19 और नूह में भी 19। तो टोटल इस तरह से अलग अलग सिटीज़ और मेन कैंपस में नंबर ऑफ सीट्स ये है, और टोटल जोड़िएगा तो 245 हो जाएगा। अब हम लोग जान लेते हैं कि इस साल यानी 2022 में कितने बच्चे एग्ज़ाम में अपीयर हुए और कितने बच्चे एब्सेंट रहे। इस बार टोटल 1170 बच्चों ने एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया है बीएड सोशल स्टडीज़ में, और 901 बच्चे टोटल एब्सेंट हैं पांचों सब्जेक्ट का मिला के, बीएड के पांचों सब्जेक्ट का मिला के, यानी बायोलॉजिकल साइंसेस, फिजिकल साइंसेस, मैथमेटिक्स, सोशल स्टडीज़ और उर्दू, ऑल सब्जेक्ट का मिला के बीएड एंट्रेंस से 901 बच्चे एब्सेंट रहे हैं, एग्ज़ाम नहीं दिए हैं, ठीक है। और एसएसटी में यानी सोशल स्टडीज़ में टोटल 1170 बच्चों ने एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया है। टोटल सीट जो है वो 245 है और 1170 बच्चों ने एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया है। जब हम लोग इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं तो 21% अप्रॉक्स बच्चों का एडमिशन हो जाएगा, यानी हर पाँच में से एक बच्चे का एडमिशन हो पाएगा, क्योंकि सीटें 245 है और एग्ज़ाम दिए हैं जो बच्चे 1170। अब हम लोग जान लेते हैं कि किस किस सेंटर पे कितने बच्चों ने एग्ज़ाम दिया और किस किस स्टेट से कितने बच्चों ने बीएड सोशल स्टडीज़ में एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया है। लखनऊ, यहाँ से 9 बच्चों ने एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया, उसके बाद संभल, यहाँ से 16, और वाराणसी, यहाँ से 5। तो टोटल यूपी से 30 बच्चों ने एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया है यूपी के सेंटर्स पे, तीनों सेंटर का मिला के। श्रीनगर, कश्मीर से 1 बच्चे ने एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया है। सिवान से 4 बच्चों ने एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया है। पटना 150, किशनगंज
130 और दरभंगा 546, तो टोटल बिहार का चारों सेंटर मिला के 830 बच्चों ने बिहार के सेंटर्स पे एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया है। रांची झारखंड, यहाँ से 4 बच्चे ने एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया है। उसके बाद नूह हरियाणा, यहाँ से 2 बच्चे ने एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया है। उसके बाद हैदराबाद तेलंगाना, यहाँ से 55 बच्चों ने एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया है इस सेंटर पे। दिल्ली NCR, यहाँ से 45 बच्चों ने एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया है। कटक उड़ीसा, यहाँ पे 1 बच्चे ने एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया है। बीदर, यहाँ से 1 बच्चे ने एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया है। बेंगलुरु, यहाँ से भी 1 बच्चे ने एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया है। तो टोटल कर्नाटक में 2 बच्चों ने एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया है। आसनसोल वेस्ट बंगाल, यहाँ पे टोटल 200 बच्चों ने एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया है। तो ये मैंने आपको बता दिया कि किस किस स्टेट और किस किस सेंटर पे कितने बच्चों ने एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया है। अब हम लोग जानेंगे कि फर्स्ट प्रोविजनल लिस्ट में कितने बच्चों का सिलेक्शन होगा और कितना रैंक आने पर दरभंगा में आसानी से एडमिशन हो जाएगा। फर्स्ट प्रोविजनल लिस्ट में BEd सोशल स्टडीज़ टोटल 220 बच्चों का सिलेक्शन होगा, ठीक है, लगभग 220 बच्चों का सिलेक्शन होगा और इससे 2, 4, 5, 10 ज़्यादा बच्चों का भी सिलेक्शन हो सकता है, लेकिन 220 बच्चों का सिलेक्शन लगभग हो जाएगा, ठीक है, इससे 2-4 ज़्यादा भी हो सकता है। और इसमें जो 220 बच्चों का सिलेक्शन होगा उसमें ज़रूरी नहीं है कि 220 रैंक तक के बच्चों का आ जाए, जी नहीं, उसमें जो है जो रिजर्वेशन कैटेगरी मैंने बताया है उसके हिसाब से उतना परसेंट बच्चों का सिलेक्शन होगा। और इसमें जो है 220 रैंक से ज़्यादा भी रैंक होगा तो भी उस बच्चे का सिलेक्शन हो सकता है अगर वो बच्चा EWS, EWS वीमेन, OBC, OBC वीमेन, SC, ST, ठीक है, उसके बाद जम्मू कश्मीर का स्टूडेंट हो, स्पोर्ट्स पर्सन हो, जम्मू कश्मीर का माइग्रेंट हो, CAP हो, NCC हो, है ना, NSS या ECA कैटेगरी से जो भी आता है, या PMSS या PWD, ठीक है, या फिर जनरल वीमेन, तो 220 से ज़्यादा भी रैंक रहेगा तो उनका सिलेक्शन हो सकता है। अनरिजर्व्ड कैटेगरी का बच्चा है और मेल अगर है वो, तो उसका रैंक 220 के 210 200 भी होगा तो सिलेक्शन फर्स्ट लिस्ट में नहीं हो पाएगा, ठीक है, लेकिन अगर वो जनरल वीमेन होगी तो हो सकता है, उसके साथ साथ EWS वीमेन होगी तो भी हो जाएगा। हाँ, EWS का मेल भी होगा, अगर मेल बच्चा भी होगा EWS का, तो उनका भी सिलेक्शन 220 रैंक तक हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह का जो सिर्फ और सिर्फ जनरल मेल और वो EWS कैटेगरी से भी बिलोंग अगर नहीं करेगा तो उसका सिलेक्शन 220 नहीं बल्कि 210, 200, 190, 180 होने पे भी सिलेक्शन हो नहीं पाएगा पहला लिस्ट में। खासकर के जो PMSS है ना, उसके बाद ECA, NCC, NSS, उसके बाद CAP, फिर जम्मू एंड कश्मीर माइग्रेंट्स, फिर स्पोर्ट्स पर्सन, ठीक है, फिर जम्मू एंड कश्मीर स्टूडेंट्स,
SC, ST, PWD, इस कैटेगरी से जो बिलोंग करने वाले स्टूडेंट होंगे उनका सिलेक्शन 220 नहीं बल्कि 1170 रैंक भी होगा तो भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि ऐसे कैटेगरी से बहुत कम बच्चे होते हैं, तो इसीलिए 220 नहीं बल्कि 1170 भी रहे तो उनका सिलेक्शन फर्स्ट लिस्ट में हो सकता है, अगर उसके ऊपर जो है सो इस कैटेगरी के बच्चे नहीं होंगे तो, ठीक है। अब हम लोग जान लेते हैं कि दरभंगा में कितने रैंक पे एडमिशन हो जाएगा। दरभंगा में एडमिशन के लिए 67 या इससे कम अगर रैंक होगा तो दरभंगा में एडमिशन हो जाएगा, लेकिन इसमें जो है सो क्राइटेरिया है दो। पहला ये है कि बिहार के किसी भी सेंटर पे एंट्रेंस एग्ज़ाम दिए हों और दरभंगा को एडमिशन के लिए फर्स्ट प्रेफरेंस के रूप में चुने होंगे तो आसानी से दरभंगा में आपका एडमिशन हो जाएगा, ठीक है। आपका रैंक 67 या उससे कम हो, बिहार के किसी भी सेंटर पे आपने एग्ज़ाम दिया हो और आपने फर्स्ट प्रेफरेंस के रूप में एडमिशन के लिए दरभंगा को चुना हो तो आपका एडमिशन दरभंगा में आसानी से हो जाएगा बीएड सोशल स्टडीज़ में। और अगर 67 से भी ज़्यादा रैंक होगा अगर EWS वीमेन का या OBC वीमेन का या जनरल वीमेन का तो उनका भी सिलेक्शन हो जाएगा, तो 67 से ज़्यादा मतलब 100 रैंक तक भी रहेगा तो भी हो सकता है सिलेक्शन EWS वीमेन, OBC वीमेन, जनरल वीमेन ये सब का। और SC ST जम्मू एंड कश्मीर स्टूडेंट, स्पोर्ट्स पर्सन, जम्मू कश्मीर माइग्रेंट, CAP, ECN, CCNSS, PMSS, PWD ये सारा जो स्पेशल कैटेगरी है, इन सभी कैटेगरी का रैंक अगर मैंने पहले ही बताया इन सभी कैटेगरी का रैंक अगर इसका दुगना भी होगा 67 का तो भी उनका सिलेक्शन दरभंगा में हो सकता है। किसका स्पेशल कैटेगरी PWD या फिर PMSS, ECN, CCNSS, CAP, जम्मू एंड कश्मीर माइग्रेंट्स, स्पोर्ट्स पर्सन है ना, जम्मू कश्मीर के स्टूडेंट या SC ST, इन सभी का हो सकता है 67 नहीं बल्कि इसका दुगना भी रहेगा 200 तक रैंक भी रहेगा तो भी दरभंगा में सिलेक्शन हो सकता है अगर उसके ऊपर इस कैटेगरी के बच्चे नहीं होंगे तो। आई होप कि ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दें, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।